चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। और जो नया साल है आप सभी को मुबारक। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर सका, थोड़ा सा बिजी था। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, कनाडा इमिग्रेशन को लेकर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, टेम्पररी फॉरेनर वर्कर्स के बारे में। बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि दो तीन दिन बाद एक बड़ी वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि उसमें जितने भी आपके डाउट होते हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और आज की वीडियो में ट्रैवलिंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हैं, केयर गिवर्स को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आई हैं, इमिग्रेशन की फीस में चेंजेस किए गए हैं उनको लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आई हैं, स्टेटस रीस्टोर करने को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आई हैं, कोविड टेस्ट को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आई हैं। कुल मिलाकर ये वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। बिकॉज जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, अपना पॉजिटिव फीडबैक देते हो, तो एक मोटिवेशन मिलती है कि जो मैं काम आपके लिए कर रहा हूँ आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। सो वन बाय वन जितने भी हमारे पॉइंट्स उनको क्लियर करेंगे। उससे पहले एक चीज देखना चाहेंगे, जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 2020 जो ईयर था इसमें बहुत सारे सिनेरियो देखने को मिले, और इमिग्रेशन की पर्पज से ये जो ईयर था सबसे, जितने भी ईयर आए अब तक उनसे सबसे लो इमिग्रेंट कैनेडा में अब तक मूव हुए हैं 2020 में। इस साल की जो अकेडमी में लूज हुआ है कैनेडा को, तो उस चीज का बेनिफिट डेफिनेटली 2021 में टेम्परेरी फॉरनर वर्कर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जितने भी इमिग्रेंट है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में वहां पर मूव होते हैं, पीएनपी है, एक्सप्रेस एंट्री है, डिफरेंट तरह के पायलट प्रोग्राम है, तो उनके लिए ये साल खास होने वाला है 2021 का। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का जो डिसीजन है जनवरी में, फरवरी में, जिनकी अनकम्प्लीट फाइलें हैं, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, तो वो आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, और आपके रिवर्ड सभी के पॉजिटिव आएंगे, डोंट वरी। बिकॉज एक जब मोटिवेशन लेके चलोगे माइंड में तो सभी कुछ पॉजिटिव ही होगा। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सबसे पहले बात करूंगा स्टेटस रीस्टोर के बारे में। कल आईआरसीसी ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है, वैसे तो आप सभी ने देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके साथ यहां पर शेयर करूं। बहुत सारी कंफ्यूजन फैली होती है, और एक क्यूबेक के कॉलेजेस का क्या सिनेरियो है, कौन सी वो चीज है, किन किन लोगों को प्रॉब्लम आएगी, वो चीजें भी इस चीज में डिस्कस करूंगा। तो कल कैनेडा ने इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया, जितने भी लोग कैनेडा में रह रहे हैं टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा पर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वर्कर हैं, टूरिस्ट हैं, विजिटर्स हैं, तो अगर आपका स्टेटस एक्सपायर होने वाला है तो कैनेडा गवर्नमेंट आपको एक चांस दे रही है कि आप अपना स्टेटस रिस्टोर कर सकते हैं। इस चीज की डिटेल, ज्यादा जानकारी में आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाद में पूरी डिटेल देख सकते हो। बिकॉज एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जब हम किसी अदर कंट्री में जाते हैं, हमारा स्टेटस जब एक्सपायर होने लगता है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है, दैट इस चीज के कारण हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अगर हम नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो हमारा वीजा ना रिफ्यूज हो जाए, हमारी एंट्री ना रिफ्यूज कर दें। तो आपके लिए एक गुड न्यूज है कि आप अपना स्टेटस रिस्टोर कर सकते हो। उसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर वेबसाइट पर देख सकते हो। अब बात करूंगा ट्रैवलिंग को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को लेकर। आप सभी को पता था कि जब आपने कनाडा विजिट करना है कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन अराइव कैन, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है उसमें फिल आउट करनी थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कोविड टेस्ट को लेकर। आपका जो टेस्ट है वो 48 आवर्स पुराना होना चाहिए और उसकी नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अदरवाइज ये चीजें अगर आपके पास नहीं होगी तो कनाडा में लैंड करते समय आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मेक श्योर कर लीजिए जब आपने अपना ट्रेवल प्लान करना है, अराइव कैन एप्लीकेशन में आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कीजिए, कहां पर आप क्वारंटाइन करोगे, कब ट्रेवल करोगे, ठीक है। क्योंकि क्वारंटाइन की इंफॉर्मेशन देना एक बहुत मैंडेटरी हो गया पिछले काफी सारे दिनों से, जैसे कनाडा में ट्रेवल कर रहे थे लोग और यूके से फ्लाइट बैन कर दी, बिकॉज कोविड इस समय डिफरेंट कंट्रीज में इंक्रीज भी हो रहा है। तो ऐसे में कोई भी कंट्री जैसे कनाडा, वो अपने देश के सिटीजन्स के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। तो मेक श्योर कर लें जब भी ट्रेवल करना है वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है उनके साथ ही ट्रेवल कीजिए, अदरवाइज आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करूंगा चेंजेस जो रिसेंट क्यूबिक में हुए हैं। बहुत सारे इमिग्रेशन प्रोग्राम थे जिनमें हम लोग अप्लाई करते थे स्पेशली क्यूबिक में, अब उनकी जो फीसिस है उनमें इंक्रीज देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अनदर थिंग इज दैट ये ईयर 2020 आप सभी के लिए खास क्यों है, क्योंकि एक कैनेडा का प्रोग्राम था केयर गिवर, वो आने वाले दिनों में स्टार्ट होने वाला है। अगर आप एज ए केयर गिवर कैनेडा मूव होना चाहते हो तो आप अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करें, बिकॉज
उन्होंने अनाउंस किया था कि ये प्रोग्राम जनवरी में स्टार्ट होगा और आपके लिए गुड अपडेट्स आ सकती हैं। दूसरी चीज और, क्यूबिक के कॉलेजेस का इशू बहुत बड़े लेवल पर है और बहुत सारी इंक्वायरीज मेरे पास आ रही है कि सर आप इस पर एक डिटेल वीडियोस बनाइए। वैसे मैंने पहले देखा है बहुत ही जितने भी रिस्पेक्टेड यूट्यूबर हैं, चाहे वो कनाडा में है चाहे इंडिया में है, उन्होंने बहुत सारी अपडेशंस आपके साथ शेयर की हैं और काफी हद तक क्लैरिटी भी होगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको क्लैरिटी देने का फर्ज मेरा है। तो सबसे पहले बात करूंगा क्यूबिक में ये पूरा सिस्टम क्या था और कौन सी चीजों को ये अफेक्ट करेगा, किन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज एक पैनिक का माहौल क्रिएट हो गया है इंडिया में, स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट वरीड है, मुझे पूछ रहे हैं कि सर हम कॉलेज चेंज कर दें, हम यूनिवर्सिटी चेंज कर दें। तो इस चीज का सिनेरियो इंडिया में क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले बताऊं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उनमें उनके मैं नेम ले दूंगा। 10 कॉलेजेस हैं, जैसे हरसिंह कॉलेज, एम कॉलेज, मैट्रिक्स कॉलेज, सीडीआई कॉलेज, काफी सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपने उनमें अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, आपने अपनी सीएक्यू के लिए अप्लाई किया है, तो आपको 31 मार्च 2021 तक अपनी सीएक्यू का वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी सीएक्यू नहीं आती तो आपको भी पता है कि अगर आपने क्यूबिक में फाइल लगाई है, क्यूबिक का वो सर्टिफिकेट हम सबके लिए जरूरी होता है जब हमने हाई कमीशन में फाइल सबमिट करनी है, तो आपको वेट करनी पड़ेगी। लेकिन जितने भी प्रेजेंट स्टूडेंट हैं, अगर वो उन कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं, अगर उन्होंने अप्लाई किया है, आपके पास सीएक्यू है, ठीक है, तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। बिकॉज एक माहौल जो क्रिएट हुआ है उसको देखते हुए मैंने देखा है कि बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि अपने कॉलेज चेंज कर दो, जल्दी कीजिए, ये हो गया, वो हो गया। सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। बहुत सारी सिनेरियोस ऐसे पहले डिफरेंट कंट्रीज में क्रिएट हुई, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आज से 4-5 साल पहले कुछ कॉलेजेस थे ब्रिस्बेन में, तो उनके साथ ये सिनेरियो हुआ था। लेकिन जितने भी बच्चे थे, हाई कमीशन इस चीज को समझता है, वहां की गवर्नमेंट इस चीज को समझती है कि दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू मूव इन कैनेडा, तो वो आपका ख्याल जरूर रखेंगे। आपको घबराने की बात नहीं है। बिकॉज जब ऑस्ट्रेलिया में ये चीज हुई थी तो बाद में कॉलेजेस ने और रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट में रलकर एक अल्टरनेटिव वे ढूंढ लिया था। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स की फाइल लगी हुई है, ठीक है, चाहे वो अंडर प्रोसेस है, आपकी फाइल पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। किन लोगों को वरी करने की जरूरत है? जिन लोगों की फाइल अभी तक नहीं सबमिट हुई, आपने नए सीएक्यू लिए अप्लाई किया है, तो आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी 31 मार्च 2021 तक। लेकिन जब मैंने ये न्यूज सुनी, थोड़ा सा वरीड मैं भी था, बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडमिशन इन दीज कॉलेजेस ड्यू टू द लो स्ट्रक्चर ऑफ देयर फीसिस। मैं समझता हूँ कि जब हम कैनेडा स्टडी प्लान करते हैं तो एक बजट है जो नियर अबाउट 14 लाख प्लस चला जाता है। अगर हम किसी बीसी की तरफ देखें, ऑन्टारियो की तरफ देखें, बिकॉज द फीसिस आर क्वाइट हायर एज कम्पेयर टू द क्यूबिक साइड। तो क्यूबिक में बहुत सारे स्टूडेंट पहले गए भी हैं उन कॉलेजेस में, तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी फाइल अप्लाई की हुई है तो आपको इस चीज के बारे में घबराने की कोई बात नहीं। आपके पास सीएक्यू है, आपका डिसीजन डेफिनेटली आएगा। उन्होंने ये भी बोला है कि 31 मार्च तक वो देखेंगे कि क्या सिनेरियो क्रिएट होता है, उसके बाद वो डिसीजन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी क्यूबिक को लेकर। ट्रैवल के बारे में आपके साथ जो इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी थी वो भी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोविड टेस्ट को लेकर जो आपके डाउट क्लियर करने थे वो भी आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो गाइस एक चीज आप और बताइए कि मैं आने वाले दिनों में एक सीरीज चलाना चाहता हूँ कि कैनेडा के बारे में डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में दूँ। तो आने वाले दिनों में आपके लिए हम एक सेमिनार भी लेकर आ रहे हैं, उसकी डेट जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है, न्यू अप्लाई करना चाहते हो, मई इनटेक का क्या सिनेरियो होगा, तो आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी हम शेयर करेंगे। दूसरी चीज और बताना चाहता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के और ओपन वर्क परमिट वालों के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो भाई आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जनवरी में आपके बहुत डिसीजन आएंगे, डोंट वरी। लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग पीपीआर, बट पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है, नो डाउट। लेकिन बच्चों को पेमेंट का लिंक नहीं आ रहा, उनके पासपोर्ट सबमिट नहीं हो रहे। एक चीज बताना चाहता हूँ गाइज, देखिए आपकी रिक्वेस्ट आ गई, इट मींस कि हाई कमीशन आपको वीजा देगा। तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए, ऐसे में कोई गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। जितने भी लोगों का डिसीजन नहीं आ रहा है, देखिए मैंने पहले ही बताया था कि एक्सपेक्टेड टाइम है। जितने भी लोगों की अप्रूवल आई है वो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और अपना अपना जो प्रोसेसिंग टाइम है कितना लगा जरूर शेयर कीजिए, ताकि दूसरे को मोटिवेशन मिल सके। और फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो 25 टू 45 डेज में
काफी सारी जो एप्लीकेशन है, नियर अबाउट 70% एप्लीकेशन का रिजल्ट है जो कैनेडा हाई कमीशन ने दिया है। सो गाइस, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। अनदर थिंग इज दैट आज की प्रेपरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस। आप हमारी 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट वीजा SOP में कोई हेल्प चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, तो काइंडली उसको भी ज्वाइन कीजिए। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।